मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे तब जाके हम कुछ हासिल कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा जो बैनर यहाँ पे जो लगाया है, उस बैनर का हमारा उसमें जो टाइटल है, जो लिखा है, उसमें ये लिखा है कि सम्मान का संघर्ष। मुझे पूछना है आपसे, 70 साल हो गए हमारी आजादी का, और 70 साल की आजादी में हमको अभी भी हमारे सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। महिलाओं का संघर्ष, महिलाओं यहाँ पे 50% हमारे भारत में 50% महिलाएं हैं, महिलाओं का सम्मान। आदिवासी, क्योंकि वो दलितों में भी दलित है, आदिवासी में भी सबसे पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, उन महिलाओं का हक कहाँ है, उनका अधिकार कहाँ है? हाँ, जो सम्मान की, जो संघर्ष की, लड़ाई की जो बात कर रहे हो, कहाँ है? तो मेरा मतलब आज जो यहाँ पे बोलने का जो मुझे मौका दिया है, क्योंकि हम तो बराबरी का समाज चाहते हैं, उन बराबरी के समाज में सबको समान हक और समान हक के लिए लड़ाई की बात करते हैं, पर आज तक हमारे सम्मान के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरी बात, सबसे, क्योंकि बाबा साहब ने बोला है कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिक्षित कहाँ है? दलितों के लिए शिक्षण कहाँ है? आदिवासी के लिए शिक्षण कहाँ? ओबीसी के लिए शिक्षण है? सब प्राइवेटाइजेशन, खानगीकरण हो गया है। जो हम सरकारी स्कूल में जाते हैं, क्योंकि मैं मजदूरों के साथ काम करती हूँ, मजदूर है कौन? मजदूर हमारा दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और ओबीसी है, जो आज तक आया, आज तक उनको ये जो सुविधा है उससे वंचित है। गुजरात में हूँ, गुजरात से आई हूँ, गुजरात के चुनाव अभी आए हैं, मतलब 9वीं और 14वीं तारीख 2 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव है। चुनाव के रवैया अगर हम देखें, विकास की बात करें, किसका विकास हो रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि जब उन्हें अत्याचार हुआ तो वो बोलते हैं कि मुझे मारो, पर दलितों को नहीं। थानगढ़ में जो अत्याचार हुआ, जो उन्हें में जो अत्याचार हुआ, उसमें मतलब प्रधानमंत्री गुजरात से होते हुए भी एक भी प्रकार का स्टैंड नहीं लिया गया। जो इंसान दलित अत्याचार, जो उन्हें अत्याचार हुआ, जिसमें सामने संघर्ष किया, वो आज भी जेल में है। मैं आज हमारे एक साथी कांति भाई जो है, उनकी बात रखना चाहूंगी कि वो आज भी जेल में 1 साल हो गया, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो सम्मान और संघर्ष की ये जो बात है, मुझे आज भी पता है कि अगर हमको, क्योंकि हर बार मेरे आगे भी जितने साथी आए, उन सब ने बोला है कि आर्थिक तौर पे जब हम मजबूत नहीं होंगे तो हमारे सम्मान के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। तो मैं 2 साल पहले जब नेकडोर की रैली में यहाँ आई थी, तब बताया गया था कि सूत्र था जय भीम 5 एकड़। हम सब साथी उसी में ही मतलब बोलते हुए हम आगे गए थे, और काफी लंबी हमारी रैली, बहुत लंबी रैली थी। सही है, हमारे आदिवासी, हमारे दलित, हमारे जो मजलूम भाई बहनों हैं, उन सबको अगर जमीन दी जाएगी तो मुझे लगता है कि हमारे काफी सारे जो सवाल है उसको इसके आगे हम ले जा सकते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ, मुझे बहुत कम बोलना है, इसलिए मैं मेरी बात को जो रखना चाहूंगी एक ही पॉइंट में, कि आज जो समाज है वो जातियों में बंट रहा है। बताया गया कि चंद्रशेखर कौन है? चमार है। हाँ, गुजरात में जो आंदोलन चल रहे हैं या भारत के जो आंदोलन चल रहे हैं, सब अपनी जातियों में आंदोलन है, कभी एकजुटता नहीं है, एकता नहीं है। जब तक हम सब महिलाएं और पुरुष, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, जो भी लोग हैं, जब तक हम एक साथ में नहीं आएंगे, एक सांझा मंच में नहीं आएंगे, मुझे लगता है तब तक ये जो आज की मनुवादी जो सरकार है, जो पेट्रियार्की विचारधारा वाली जो सरकार है, उसके सामने हम कभी नहीं लड़ पाएंगे। हमको लड़ना है
आगे जाना है। अंत में मतलब मेरी बात एक ही, मुझे जो एक शेर हर बार याद आता है वो खत्म, मतलब वो कह के मैं पूरी करूंगी मेरी बात। कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे, कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे, कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रही, कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रही। हिम्मत से सच बोले तो बुरा मानते हैं लोग, हिम्मत से सच बोले तो बुरा मानती है सरकार, पर अब रो रो के बात बताने की आदत नहीं रही। जय भीम जय भा। हमारे बीच में मानेंद्र साकेत जी हैं मध्य प्रदेश से। मैं निवेदन करना चाहूंगी मानेंद्र जी आए और अपनी बातें।